सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में गाइज मैं आपको बता दूंगा, अगर आपने आधार कार्ड नंबर नंबर अपडेट करवाना चाहते हैं तो अब गाइज आपको किसी आधार सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है। अब गाइज आप घर बैठे अपने आधार कार्ड से अपना मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। पहले गाइज अगर आपके आधार कार्ड से कोई नंबर नहीं लिंक था तो भी आप लिंक कर सकते हैं, या फिर गाइज अगर आपके आधार कार्ड से पहले कोई नंबर लिंक था और नंबर गायब हो चुका है, या आप यहाँ से अपना कोई दूसरा नंबर अपने आधार कार्ड के थ्रू लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे गाइज आप दूसरा नंबर लिंक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर गाइज आप दोनों कंडीशन में आप घर बैठे अपने आधार कार्ड से अपना मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं, चाहे पहले आपके आधार कार्ड से कोई नंबर लिंक हो या ना हो, या फिर गाइस अगर आपके आधार कार्ड से कोई नंबर लिंक रहा हो और आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो फाइनली गाइस 2024 में आप आधार कार्ड से मोबाइल नंबर कैसे लिंक करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, कोई पहले नंबर लिंक है तो सिंपली गाइस इसको जानने के लिए आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। सो फाइनली गाइस अब चलिए बताता हूँ कि कौन सा इजी स्टेप है जिसको फॉलो करेंगे आप बहुत जल्दी अपने आधार कार्ड अपना कोई मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली गाइस अब देखिए उसके लिए आपको क्या करना होगा। चलिए गाइस यहाँ पर मैं आपको शुरू से बताना स्टार्ट करता हूँ। अब सिंपली गाइस आपको अपने आधार कार्ड में अपना कोई से मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए या फिर जोड़ने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, आपके फोन में जो प्ले स्टोर होगा उसको आप यहाँ ओपन करेंगे। सो देखिए जैसे प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे गाइस आपको सर्च करना है POSTINFO, मतलब कि पोस्ट इन्फो। अब देखिए आप यहाँ पोस्ट इन्फो टाइप करके सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पोस्ट इन्फो का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपली गाइस आप इस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है, तो यहाँ पे देखिए मेरा इंस्टॉल है। अब देखिए जैसे आप इंस्टॉल हो जाएगा तो आप इसको ओपन करेंगे। अब सिंपली गाइस देखिए जैसे एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो फाइनली गाइस आपके सामने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन होगा वो यहाँ पे देखिए ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन वो यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे सर्टिफाइड एप्लीकेशन है। तो सिंपली गाइस अब यहाँ पे देखिए आपको पहले नंबर ऑप्शन मिलेगा सर्विस रिक्वेस्ट का। तो सिंपली गाइस आप यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर। अब देखिए जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से गाइस अपना क्रोम ब्राउजर आप यहाँ चूज कर लेंगे। अब देखिए जैसे आप ब्राउजर चूज करेंगे तो फाइनली गाइस आपके सामने CCCEPT.GOV.IN वेबसाइट होगी वो यहाँ से देखिए ओपन हो जाएगी। अब सिंपली गाइस आप क्या करेंगे, अभी आप यहाँ नीचे आएंगे। अब देखिए जैसे आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे गाइस आपको सबसे पहले अपना नेम फिलअप करना है। तो यहाँ पे गाइस आपके आधार कार्ड में आपका जो नाम है सेम टू सेम वही नाम आप यहाँ फिलअप करेंगे। और यहाँ पे देखिए आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है, तो अब यहाँ पे देखिए आपके आधार कार्ड में आपका जो एड्रेस है सेम टू सेम वही एड्रेस आप यहाँ फिलअप करेंगे। और यहाँ पे पिन कोड है तो आपके आधार कार्ड पे आपका जो पिन कोड होगा 6 अंकों का वो यहाँ पे मिल जाएगा, तो वही पिन कोड आप यहाँ एंटर करेंगे। और यहाँ पे देखिए ईमेल एड्रेस है और यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर है। तो फाइनली गाइस अब यहाँ पे देखिए आपको अपने आधार कार्ड के थ्रू अपना कोई सा भी ईमेल आईडी अगर लिंक करवाना है तो आप यहाँ से उस ईमेल आईडी को फिलअप करेंगे, तो आपको जो ईमेल आईडी होगा वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको नीचे आपसे मोबाइल नंबर रखा, तो अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आप यहाँ इसको ध्यान से समझिए। अब देखिए आपके आधार कार्ड से अगर पहले कोई नंबर लिंक था और आप उसने उस नंबर को चेंज करना चाहते हैं, सिंपली गाइस अभी आप अपने जो न्यू नंबर को चेंज करके ऐड करवाना चाहते हैं और नंबर आप यहाँ फिलअप करेंगे। और मान लीजिए गाइस अगर आपके आधार कार्ड से पहले कोई नंबर लिंक ही नहीं था और आप यहाँ से नंबर लिंक करना चाहते हैं तो सिंपली गाइस आप यहाँ से नया वाला नंबर आप यहाँ फिलअप करेंगे। अब सिंपली गाइस आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट सर्विस का, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए सेलेक्ट सर्विस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो फाइनली गाइस ऑप्शन में बहुत सारा सर्विस यहाँ पे ओपन करके आ जाएगा। अब सिंपली गाइस आपको क्या करना है, देखिए जब कोई आपका IPPB आधार सर्विसेज का, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे आप IPPB आधार सर्विस वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए आपको नीचे सब कैटेगरी का ऑप्शन चूज करने को ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली गाइस आप यहाँ नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे आप यहाँ नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फाइनली गाइस अब यहाँ पे देखिए आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा UIDAI और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मोबाइल या ईमेल टू आधार लिंकिंग अपडेट। तो गाइस ये कह रहा है कि ये अपने आधार कार्ड के थ्रू आप चाहे मोबाइल नंबर हुआ चाहे ईमेल आईडी हुआ आप यहाँ पे उसको अपडेट कर सकते हैं, आप लिंक कर सकते हैं। तो सिंपली गाइस यहाँ पे देखिए आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अब यहाँ पे गाइस जैसे आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो अब गाइस आप यहाँ रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, तो अभी गाइस आप यहाँ से वो नंबर डाले होंगे आप इस नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आप यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब चलिए गाइस जहाँ से मैं आपको सबमिट करके आगे दिखाता हूँ। अभी देखिए मैंने यहाँ पे अपना सारा डिटेल यहाँ से फिलअप कर दिया, अब मैं यहाँ रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। रिक्वेस्ट ओटीपी पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो फाइनली गाइस यहाँ पे देखिए जो ओटीपी यहाँ पे आ चुका है, तो अभी गाइस आपको क्या करना है, जो ओटीपी है फ्रेंड आपको इसी ओटीपी को वहाँ फिलअप करना है। अब इस तरह से गाइस आप यहाँ ओटीपी को फिलअप करेंगे और आप यहाँ कन्फर्म सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे कंफर्म सर्विस रिक्वेस्ट पर तो फाइनली गाइस यहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट होगा वो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। और फाइनली गाइस यहाँ पे देखिए आपको रिक्वेस्ट रिसेप्शन नंबर मतलब कि आर नंबर आपको यहाँ पे 7 अंकों का दे दिया जाएगा। अब सिंपली गाइस चलिए बताता हूँ कि जैसे एक बार यहाँ पे रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा तो आगे क्या होगा, कैसे यहाँ पे वाला नंबर के साथ आधार कार्ड लिंक होगा या फिर कोई सब नंबर कैसे चेंज होगा आपके आधार कार्ड के साथ। तो सिंपली गाइस आप देखिए क्या होगा, अगले 7 डेज के अंदर कभी भी जो पोस्टमैन होगा आपके पोस्ट ऑफिस का वो आपके घर तक आएगा और सिंपली गाइस आपके आधार कार्ड के थ्रू आपको जो नंबर होगा यहाँ पे लिंक करके जाएगा या फिर अपडेट करके जाएगा। अब गाइस अगर आपने यहाँ पर जो भी रिक्वेस्ट डाला, अगर आप इसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप कैसे चेक करेंगे, चलिए जो मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली आप क्या करेंगे, ये जो आपको रिक्वेस्ट रिफ्रेंस नंबर मिला हुआ है आप इसको कॉपी कर लेंगे या फिर पेन या पेंसिल से कहीं नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब सिंपली देखिए जैसे आप कॉपी कर लेंगे तो गाइस आप क्या करेंगे, आप यहाँ ऊपर आएंगे।
अब यहाँ पर देखिए आपको आपने क्लिक टू ट्रैक और रिक्वेस्ट का, तो अभी सबसे पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप क्लिक करेंगे ट्रैक और रिक्वेस्ट पे, तो खाली गया जहाँ पे देखिए आपके सामने रिक्वेस्ट रिफ्रेंस नंबर एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली कीजिए, अभी ये आपको यहाँ पे जो भी आ रहा है नंबर मिला हुआ रिफ्रेंस नंबर, तो सिंपली आप उस नंबर को यहाँ पेस्ट कर देंगे और सिंपली कीजिए आप यहाँ फेज पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे आप यहाँ फेज पे क्लिक करेंगे तो इसका जो भी करेंट स्टेटस होगा वो यहाँ पे देखिए शो कर देगा, जैसा कि अभी देखिए पेंडिंग शो कर रहा है। तो फाइनली गाइस अभी यहाँ पे मैंने जस्ट अप्लाई किया तो यहाँ पे जो स्टेटस है पेंडिंग शो करेगा। तो इस तरह से गाइस आप बहुत इजीली आप घर बैठे अपने आधार कार्ड के साथ अपना कोई सा भी नंबर लिंक कर सकते हैं, फिर चेंज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स में, और अगर गाइस आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।